दान की ये परिभाषा है, यदि आपका सीधा हाथ यदि दान करता है तो उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दान हो रहा है। दान छपा करके नहीं होता है, दान छुपा करके होता है। जो छपा करके दान होता है वो तो केवल यहीं पर छप जाता है, लेकिन जो छुपा करके दान होता है वो ऊपर छपता है। तो हम सहजता से अपनी जितनी सामर्थ्य है लोगों का सहयोग करते रहें। ये पूरी प्रकृति सहयोग कर रही है, आप देखो ना, पूरी की पूरी प्रकृति सहयोग कर रही है। हवा एक सेकंड के लिए हमको प्राणवायु न दे, हम रह सकते हैं? कहीं हवा ने अपना कहीं छपा छपा का ना छपा रखा कि मैं तुमको जीवित रखती हूं? नहीं ना। सूर्य ना हो सृष्टि नहीं चल सकती है, सृष्टि खत्म हो जाए सूर्य ना हो तो, ये पृथ्वी ना हो, जल ना हो, तेज ना हो, वायु ना हो, आकाश ना, रह नहीं सकते हम। लेकिन उसके बाद भी कहीं पर भी वो अपना वो नहीं दिखाते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हम भी इस तरह से दान करें, इस तरह से हम वह पुण्याई कर, जिससे और वो पुण्य आपको पग पग पर रक्षा करता है। कि धर्म एक तरह की बाउंड्री वॉल है। आप बद्रीनाथ जाते हो ना, तो बद्रीनाथ में आपने देखा होगा, बद्रीनाथ में सड़क के किनारे उन्होंने थोड़ी सी दीवाल की हुई होती है। क्यों दीवाल की हुई होती है? कि आप खाई में ना गिरो। वो दीवाल आपको क्या करती है? रोकती है, आप खाई में ना गिरो। धर्म भी वो दीवाल है कि जो आपको नीचे गिरने से बचाती रहती है। ये जीवन जीवन भी कोई बद्रीनाथ के रास्तों से कम नहीं है। देखा ना कैसे रास्ते हैं। आप सब लोगों का जीवन ऐसे ही है कि नहीं है? सीधा किसी का जीवन है? जीवन की डगर ये बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, और कहाँ हम गिर जाएं कोई पता नहीं है। इस जीवन की डगर पर यदि हमको कोई सुरक्षित रखता है तो वो दीवाल सुरक्षित रखती है, और उस दीवाल का नाम धर्म है। धर्म करते रहिए, धर्म करते रहिए, धर्म करते रहिए।